हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इस टाइम हम मौजूद हैं रत्ती गली। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द व्लॉग अनदर डे। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? ठीक तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। तो अभी सीन इस तरह है कि अभी हम जा रहे हैं रत्ती गली लेक। तो पीछे हमारी जीप जी रेडी हो गई है, ये जीप है। यहाँ से रत्ती गली लेक का सफ़र है 18 किलोमीटर, जीप ट्रैक है जो कि 2 घंटे में हमने तय करना है, और उसके बाद हाइकिंग जो है वो 2 किलोमीटर है जो कि हम 1 घंटे में कर जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी सारे गाइस रेडी हो रहे हैं, ये देखें जी। हाँ जी बुमा जी रेडी है, फिर रेडी हैं जी। और बाकी लोग सामान उठा रहे हैं, अभी आप उनसे भी मिलवाते हैं कौन कौन हमारे साथ जा रहा है जी। तो अभी कैंप पैक हो रहा है, ये पार्किंग पे अपनी गाड़ी खड़ी की है, ये पीछे गाड़ी खड़ी है। हाँ जी ईसा जी, क्या हाल है जी? ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो। हाँ जी रेडी हो फिर? बिल्कुल रेडी है। हाँ जी हसन जी रेडी हो? हाँ न्यूटन रेडी है, रेडी है। हाँ मुबशीर, ये देख लो कैंप रेडी कर रहे हैं, जा रहे हैं पानी की। हाँ कासिम भाई रेडी है, रेडी है। हाँ जी अंकल जी रेडी? कुछ रेडी, रेडी मेट है। हाय रेडी मेट है। तो अभी कुछ सामान लेना है खाने पीने का, और फिर निकलना है अपने सफर की तरफ। आपको एंजॉय करवाएंगे और मजे मजे के शॉट दिखाएंगे। तो पूमा और मैं जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, ताकि हम आज बनाएंगे चाइनीज चावल राइस। तो बड़ा मजा आएगा आज, मैं बनाऊंगा। आज ही हमने पहुँचना है लेक पे भी, तो टाइम भी शॉर्ट है, बस सफ़र थोड़ा ज़्यादा है, शाम होने वाली है, बस चलते हैं। चढ़ाई है ना, सांस फूल रहा है। ये देखें जी टूरिस्ट हॉट जोन से बने हुए हैं सीधा इस साइड पे, और रत्ती गली इस साइड पे जाता है रास्ता। तो आपको दिखाएंगे, ये 18 किलोमीटर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी हुआ है कि रत्ती गली झील 18 किलोमीटर, जीप ट्रैक 16 किलोमीटर, पैदल सफ़र 0.2 किलोमीटर। अस्सलाम वालेकुम, सब्जी क्या कौन सी है? कोई भी नहीं है। आलू है साल? आलू है यार, सिर्फ आलू मिल रहे हैं, और कोई चीज़ नहीं मिल रही। आप फिर क्या करें, आलू ले लेते हैं। ये लें जी, पकड़। ये जी सामान ले लिया। लो जी चलते हैं अब जीप की तरफ, और जीप में सवार होते हैं और निकलते हैं अपने ट्रैक की तरफ। ये जी हम नीचे नहीं जा सकते थे, हमने कहा ऊपर ही आ जाएं, ये गाड़ी आ रही है जी। गाड़ी ऊपर ही लेके आ रहे हैं, मैंने कहा हम नीचे क्या जाएं, ऊपर आना जो है गाड़ी। अच्छा जी, कोई सब्जी नहीं थी, तो आलू थे और प्याज था, वही ले लिया मैंने। पुलाव बना लेना ना। आहो जीप ट्रैक बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, तो इस वजह से गाड़ी बार बार गर्म हो रही है और इसको ठंडा किया जा रहा है। ये बात भाई, गाड़ी हो गई है जी खराब, मसला बन गया। सारी गाड़ियाँ आ गई हैं, खड़ी हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। हम कह रहे हैं कि हमें गाड़ी भेज दो ताकि हम लेट ना हो सकें निकले। भाई वो गाड़ी ख़राब हो गई है हमारी, नई गाड़ी आ गई है ये। अच्छा। हमें ऊपर ले जाएगी, वो इनके बंदे हैं, वो वापस नीचे ले जाएगी। ठीक हो गया जी, ये गाड़ी अब जी इधर हम सामान अपना लोड करेंगे और ऊपर ले कर जाएगी हमें ये वाली गाड़ी। ये वाली ख़राब हो गई है, चलो सामान उतारें फिर निकलें। हाँ भी तो अभी गाड़ी ठीक हो गई है, गाड़ी में बैठ गए हैं। हाँ जी मुझे लगता है इसके होश उड़ गए हैं। हाँ दरअसल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है हल्की हल्की, तो इधर
रास्ता जो है ना बहुत डेंजरस है, ठीक है, स्लिपरी है। हाँ भी कासिम आपने, अब ठीक है यार, अब डर नहीं लग रहा, अब डर नहीं लग रहा। हाँ रास्ता बहुत खौफनाक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आए जरा ध्यान से मौसम को देख के आइए। हाँ मौसम को देखना जरूरी है क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसा ट्रैक करना नहीं चाहिए। हाँ जी सर जी, मौसम तो बहुत अच्छा है। और एक और आप सबको एडवाइस ये देती है कि आने से पहले लाजमी ड्राइवर और जो गाड़ी लाजमी चेक कर लें, हमारी तरह ना हो के जो गाड़ी खराब हो जाए रास्ते में और टाइम वेस्ट हो। ये लाजमी है यार। हाँ बेटा चला जी। रत्ती गली बेस कैंप, सर्दी बहुत ज़्यादा है, रेन शावर हो रहा है थोड़ा सा। सब गाइस उतर आए हैं यार, इतना मुश्किल ट्रैक था ना, ओए हो मेरी शक्ल से ही आपको पता चल गया होगा। इधर व्यू के सारे पैसे हैं ये देखें। फाइनली डिसाइड हो गया जी कि हमने लेना जी कैंप, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कैंप ले लो, लाइट भी मिल जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगा। हाँ भी सा इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। कितने के में मिला ये हमें? 700 के अंदर कैंप मिल गया। अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये हमारी बारगेनिंग की टेक्निक थी जो हमें 700 में मिला। हम और थोड़ा कोशिश करते तो हमें 500 में भी मिल जाना था, लेकिन इन लोगों का एहसास किया और हमने इन्हें 700 दे दिए 700 रुपये में। अगर आप भी ऐसी बारगेनिंग करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपको मिल जाए, नहीं तो 2000 से नीचे बिल्कुल नहीं आपको मिलेगा। हाँ 2000 से तो बिल्कुल नीचे मिलता। तो ये कैंप है जी, इसमें 8 बंदे आ जाते हैं पूरे, बाहर कुर्सियाँ भी हैं, सारा कुछ है निज़ाम। ये सारे गाइस आ गए हैं अंदर बैठे। न्यूटन किधर जा रहे हो? मैं पानी भरने जा रहा हूँ। चलो पानी भर के लाओ। ये सारे बैठे हुए हैं। हाँ जी पहुँच गया जी, अल्लाह खैर खरीद से ले आया। हाँ जी कासिम की तो बजी हुई है मत? नहीं जी मेरी कोई मत शत नहीं बजी है। अच्छा 500 का कैंप लेके दिया तुम लोगों को मैं। 700 का भाई, वो तुम लोगों ने लिया ना, मुझे लेके जाते मैं 500 का लेके देता। ये सन ने लेके दिया जी 700 का। ना शुक्र ही रहना। हाँ जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं। तेनू ऐसा तो लवा कोई काम में है जबरदस्त एंजॉय कर। ओए दस अच्छा डरे तो नहीं बात रस्ते में? डरे तो नहीं? मैं कह रहा 9 वर्ष से सारे रस्ते सोया है, सोना है। मेरे पास अल्फाज नहीं है। पूमा साहब सो के आए हैं, अभी हम जा रहे हैं जरा है देखें। पहली फोटो शुरू हो गया, फोटो शूट अगले साल। भाई साहब इतना प्यारा व्यू है मैं क्या बताऊं आपको, फुल हैवी किस्म का व्यू। ये चेक करें आप जरा, फिर बेसिकली यार हमने जाना था आज लेक पे, लेकिन आज लेक पे जा नहीं सके क्योंकि आज हमारी गाड़ी जो सी थी ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है, तो बड़ी स्लिपरी थी, गाड़ी ख़राब होगी जिसकी वजह से हम लेट पहुंचे। अभी हम जा नहीं सकते थे ताकि रोशनी बाल बच गए। भाई साहब एक दफ़ा तो हमें याद आ गया सब कुछ के बस अल्लाह। अब सीन इस तरह के, अभी हमने पूछा था कि ऊपर जाएंगे, लेकिन हमारा मूड वो कहते चले जाओगे घंटा लगेगा, घंटा डेढ़, तो घंटे डेढ़ में वापस रात के टाइम आओगे। हमने फिर डिसाइड किया सब ने मिलकर कि हम सुबह जाएंगे, क्योंकि अभी जाएंगे तो रात हो जाएगी, तो उधर व्यू देखने का मज़ा ही नहीं आएगा, अंधेरे में ना फ़ोटो शूट होगा ना वीडियो शूट होगा, फिर वो चीज़ तो नहीं ना हम दिखा सकेंगे। तो इसलिए हम सुबह ही सुबह निकलेंगे और आपको फिर सुबह मिलेंगे। अभी तो हमने खाना है, पार्टी वगैरह करनी है।
गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब, ठीक? तो अभी हम रथी गली का ट्रैक करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे साथ जो है ईसा भाई हैं, ईसा भाई मेरे पार्टनर हैं, क्योंकि हम दोनों पीछे पीछे आराम आराम से जाते हैं, सुकून से अपना ट्रैक मज़े से करके आते हैं, फुल इंजॉय करते हैं। तो वो लोग बाकी जल्दी जल्दी में चक्के चक्करों में बस इसी तरह जाई जा रहे हैं। हम अपना व्यू चेक कर रहे हैं, व्यू देखते देखते मज़ा भी आ रहा है और इंजॉय भी हो रहा है साथ साथ। हाँ जी ईसा भाई, बहुत मज़ा आ रहा है यार। अगर आप लोग भी इधर आए ना तो कोशिश करना कि पैदल हाइक करें, घोड़े लेने की जरूरत नहीं। अगर घोड़े लेंगे आप इधर की जो नेचर है ना उसको इंजॉय नहीं कर सकेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी घोड़ा लेने की हम फोटोज वगैरह लेंगे तो थोड़ी सी ट्रैक करेंगे, क्योंकि फ़ोटो भी तो लाजमी है ना। वो नीचे बेस कैंप है रथी गली लेक का, तो अभी हम ट्रैक की तरफ जा रहे हैं जी। हमें एक और बंदे ने ज्वाइन कर लिया। हाँ जी पुमा जी, बड़ी टफ हालत हुई पड़ी है। अच्छा, अभी निकले हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलो देखते हैं भाई साहब, जाके अब फिर ही पता चलेगा। जी उबैद भाई, क्या फील कर रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो कोई टफ ट्रैक नहीं है, क्योंकि हमने चिट्टा कट्टा किया उससे तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह हम आधे घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाएंगे या 40 मिनट के अंदर अंदर, उम्मीद है। तो लेट्स सी, देखते हैं इंशाल्लाह क्या बनता है। ये जी पहली झील पर पहुँच गए हैं, छोटी झील पर पहुँच गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी झील का रास्ता अभी 25 मिनट बाकी हैं, इंशाल्लाह वो भी पहुँच जाएंगे। ये रास्ता जा रहे हैं इधर से होते 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 ऊपर जाना है, और ये वाटरफॉल आ रहा जी। यार ये पाकिस्तान की नंबर वन लेक है खूबसूरती के लिहाज से, माशाल्लाह। अभी हम जाते हैं, थोड़ा सा सफ़र रह गया और जाके देखते हैं कैसे नज़ारे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपको भी अच्छे लगेंगे। चलिए चलते हैं। यार अब मैं ना, मेरे पीछे झील है लेकिन मैं उल्टा जाऊंगा ताकि मैं फर्स्ट व्यू आपको दिखा सकूं और फर्स्ट व्यू दे सकूं। चलिए देखते हैं आप। यार बहुत आला सीन है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रीच दैट रथी गली लेक। हाँ कासिम, का ट्रैक तकरीबन 40 मिनट में कर लिया हम लोगों ने, माशाल्लाह, जो कि देर है, आधे घंटे में करना चाहिए। असल में यार रात डांस कर करके ना थकावट हुई थी, टांगे बड़ी दर्द कर रही थी। चलें अब आपको सीन चेक करवाते हैं। चाहूं कि फिर से जी लूं मैं मौजों के वो पल, से बंधा हुआ है मेरा पूरा सोया दिल, जी उठे ख्यालों से जवानी के मजे, गली आके बहुत मज़ा आया लेक पे, लेक देख के सुकून मिला, हमने रेस्ट की, अब थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह बनाई, अभी मैं फ़ोटोज़ लगा दूंगा एंड पे। तो बहुत इंजॉय किया यार, मज़ा आ गया कसम से। तो आप भी ज़रूर आएँ, आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर ज़िंदगी में आपने सफ़र वगैरह नहीं किया तो आपको करना चाहिए, ताकि आप खूबसूरती नेचर देख सकें, एक्सप्लोर कर सकें।
और अगर कोई आ नहीं सकता तो मेरी वीडियो देख के एंजॉय करें। हाँ अभी तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।